करनाल के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दौरे के दूसरे दिन सीएम आज भी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में झील चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे चर्चा। अनिल विज द्वारा मनु भाकर के लिए किए गए ट्वीट पर सांसद देवेंद्र हुड्डा ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों के प्रति सरकार की नीयत शुरू से ही गलत। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों का तिरस्कार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। खेल मंत्री अनिल विज को प्रदेश के खिलाड़ियों से माफी मांगनी चाहिए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस का काम बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने पदक लाओ इनाम पाओ नीति पर काम किया था, जिसे अब शर्मिंदा कर दिया गया है। फरुखनगर में डूमा हरिनगर गांव में पटौदी विधायक विमला चौधरी ने एससी चौपाल का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान विमला चौधरी ने सरकार के आदेशों को दी चुनौती, कहा किसानों को कि वो सरकार द्वारा मुआवजा लौटाने के मिले नोटिस से घबराए नहीं। विमला चौधरी ने कहा कि मैं देख लूंगी, मुआवजा मत भरना, जमीन की कुर्की करने कौन आता है मैं देखूंगी। चौधरी ने सरकार पर उठाए सवाल कि सरकार ने फसलों का सही सर्वे क्यों नहीं किया, इसमें जमींदार का दोष नहीं है, दोषी अधिकारी हैं। पलवल जिला परिषद की चेयरमैन डॉक्टर चमेली सोलंकी पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई, वहीं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया, उनके साथ सरेआम अभद्र व्यवहार किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाने वाली मनोहर सरकार की पलवल जिला परिषद की चेयरमैन चमेली देवी सोलंकी ने अब खुद की जान बचाने की गुहार मीडिया के सामने लगाई। बीजेपी सरकार में जिले में सबसे बड़े ओहदे पर बैठी जिला परिषद अध्यक्ष ही सुरक्षित रहीं, जिससे सरकार की कलई खुलकर सामने आ गई है। आज कड़ी निगरानी के बीच हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एस्टेट परीक्षा हो रही है। परीक्षाएं 3 स्तर पर आयोजित की गई है। आज लेवल 1 और 2 की परीक्षाएं हो रही है, जिसमें लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक, जबकि लेवल 1 की परीक्षाएं दोपहर 3 से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने परीक्षा को नकल रहित और पारदर्शी करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर आधार आधारित बायोमेट्रिक, सीसीटीवी, ऑनलाइन सर्विलांस, वीडियोग्राफी आदि का इंतजाम किया है। रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के यमुना हॉस्टल में छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कारणों का खुलासा नहीं। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस ने मौके का लिया जायजा और फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। हवाओं से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम जारी, बारिश के बाद लुढ़कापारा, पानीपत, फतेहाबाद और गुरुग्राम में रिमझिम बारिश। देश के मैदानी इलाकों में बारिश और कड़ाके की ठंड, पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानों में दिख रहा है, बर्फबारी कुछ लोगों के लिए आफत बनी तो वहीं पहाड़ों पर आए सैलानियों के लिए जन्नत से कम नहीं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौद हल्के में करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क का किया उद्घाटन, 3 सड़कों का किया शिलान्यास। वित्त मंत्री ने लोगों को सड़कों के निर्माण पर दी बधाई। मिर्चपुर गांव में जींद सीमा से खेड़ी चोपटा तक 13.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई सड़क का उद्घाटन। बीजेपी फतेहाबाद में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए मीटिंग। बराला ने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में 3 क्लस्टर बनाए गए हैं, तीनों क्लस्टर की बैठक 19, 20 और 21 जनवरी को होगी। सिरसा क्लस्टर की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी लेंगे हिस्सा, बराला ने कहा बीजेपी ने पूरे प्रदेश में समान विकास कराया, इसी के सहारे बीजेपी उपचुनाव में उतरेगी।
फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लोगों का किया धन्यवाद, शंखनाद रैली में पहुंचने के लिए कहा थैंक यू। विपुल गोयल ने पूर्व की सरकारों पर साधा निशाना, कहा पूर्व की सरकारों ने जो फरीदाबाद को फ्रॉडाबाद का नाम दिलवाया था उस मिथ्या को मिटाने का काम बीजेपी ने किया है। गोयल के साथ हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद, जींद उपचुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने ट्वीट करते हुए हरियाणा सरकार पर उठाया सवाल। विदेशी खेल मंत्री अनिल विज से पूछा, पुष्टि कीजिए सर, यूथ ओलंपिक में मिले स्वर्ण के बाद घोषित इनाम सही था या सिर्फ जुमला। मनु भाकर ने पीएम मोदी, मुख्यमंत्री खट्टर सहित अन्य को टैग करते हुए गजट नोटिफिकेशन की कॉपी आदि भी ट्विटर के जरिए की साझा। खेल मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए किया ट्वीट, मनु भाकर मामले को सार्वजनिक करने से पहले खेल मंत्रालय से पूछताछ करनी चाहिए थी। मनु भाकर के ट्वीट पर सीएम खट्टर ने दी प्रतिक्रिया, सीएम बोले नियमानुसार मनु को मिलेगा इनामी राशि, ट्वीट और ट्वीट का जवाब ठीक नहीं। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला जन अधिकार यात्रा के रथ के साथ नारनौत पहुंचे, इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। एसवाईएल के मुद्दे पर अभय चौटाला ने कहा कि एसवाईएल का पानी लाने के लिए हमने सबसे ज्यादा कोशिश की। जेजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चौटाला का बयान, कहा जेजेपी ने सेमीफाइनल की शुरुआत कर दी, जींद उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी घोषणा 8 जनवरी को करेंगे।